कलेजे में कोई बीमारी है? कलेजे में कोई बीमारी है? कलेजे में कोई, कलेजा ऊपर नीचे होता है? अच्छा, मतलब घबराहट होती है, चली जाएगी। चलो जाओ जब कराओ, डॉक्टर को नहीं दिखाया था? चलो दिखाओ और दिखाओ। हाँ जी, कहाँ लगी फूंक? हाँ, पेट में लगी। पेट में कोई बीमारी है? क्या बीमारी है पेट में? पथरी है। तो पेट में अभी दर्द है कहीं भी? तो फिर पथरी कैसे है, तुझे कैसे पता? दर्द हुआ था, पथरी का पता चला? कल मैं बहुत परेशान थी, 11 साल से पथरी है मेरे। कहाँ पथरी है? पित्त की थैली में। अभी दर्द है? अभी दर्द नहीं। हर रोज पित्त की थैली में दर्द रहता है? हाँ। फिर आज क्यों नहीं है? फिर पथरी का है, पथरी पड़ी रहती है, पथरी का दर्द तभी होता है। लेकिन आपको अगर मान लिया कलेजे में पथरी है, ये बात डॉक्टर ने बता दी, कलेजे में दर्द होता है, तो डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, लेकिन उस पथरी का दर्द आपको है नहीं कलेजे में अभी, तो इसका मतलब प्रेत ने वहां बैठ के दर्द किया, आपको ये लगा मेरे कलेजे में पथरी है, आप पित्त की थैली का ऑपरेशन कराएंगे सीधा, चाहे वो पथरी जीवन भर आपको इतना सा भी परेशान ना करे। आगे ना, बहुत सारे लोगों को पथरियां पूरे शरीर में पड़ी रहती हैं कहीं ना कहीं, और वो परेशान करती ही नहीं है, तो हम उनका इलाज भी नहीं कराते। लेकिन कलेजे में आपके प्रेत बैठा है, उस प्रेत ने आपको दर्द किया, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने बताया पथरी है, अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन क्या रखी है ना, काहे कराते हो जब दर्द ही नहीं है? मैं गारंटी लेता हूँ आपको पथरी का दर्द है ही नहीं, जो हमेशा रहता था, सवेरे आए थे तब था नहीं। और कल था, रात तक था, जब आपने ये निर्णय किया मुझे सवेरे मनु भैया के पास जाना है, तब से आराम पड़ा है? हाँ के ना? क्यों पड़ा है बताइए मुझे, पथरी को सुनाई देता है? पथरी सुनती है कि मुझे मनु भैया के पास जाएगी, मुझे दर्द बंद रखना है? पथरी सुनती है क्या? पथरी कोई आदमी नुमा वो है क्या? ये प्रेत है जो पहले आदमी था, जिसके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो सारी चीज जानता है, वो आपके कहीं कहीं के ऑपरेशन करा देगा, और ऑपरेशन कदापि सक्सेस नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात वो उस दिन हंसेगा जिस दिन डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, और आप फिर से कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द है, वो उस दिन हंसता है आपके पैसे खराब करा के। ये प्रेत की बात है, उसके पास दिल है, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, दिल नहीं है, दिल आपके पास है, आए ना समझ में हो? और जब वो मन बुद्धि अहंकार से आपको परेशान करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास जो बुद्धि है वो इतनी कुशाग्र है कि वो काम करती है। आपने जहाँ टेस्ट कराया दर्द का, अब वो पित्त की थैली पे है, कल को पेट के नीचे चला जाएगा, डॉक्टर कहेगा आपके अंदर कोई गोला सा घूम रहा है शायद, मैं आपकी वो है क्या बोलते हैं, गैस की प्रॉब्लम बताई थी कल, वो छोड़ दे, दर्द का है मेरे को, गांठ बता देता है, फिर उसका ऑपरेशन कर देता है, दर्द का है, झुको, जो पथरी का दर्द रोज हो रहा था वो भी पित्त की थैली में, वो आज भी होना देखो, जबकि वो रात से बंद है, जब से आपने सोचा है कि मुझे मनु भैया के पास जाना। बोलो शनिदेव महाराज की। दबाओ यहाँ खूब कलेजे को दबाओ, दबाओ फिर, काहे का दर्द, काहे की पथरी, कौन सा दर्द, कौन सी पथरी, फूंक कहाँ लगी बताना। बोलो शनिदेव महाराज की। फूंक कहाँ लगी? जहाँ फूंक लगी वहीं पे प्रेत बैठता है, वहीं से ऊपर नीचे होता है। आओ यहाँ मैं साबित करके दिखाता हूँ, ये हाथ में से लो इसके, ठीक है, देखो दुनिया का कितना बड़ा केस। क्या नाम है तेरा? ज्योति। हाथ जोड़, बोल हे शनिदेव महाराज, मुझे पथरी का दर्द है या मेरे कलेजे में प्रेत बैठता है, आप ये सिद्ध करके दिखाइए। जो भी प्रेत मेरे शरीर में अभी बचा हुआ है, घबराहट जिसको उत्पन्न हो गई है मनु भैया को देख के, उसको वापस कलेजे में लेके आओ, वैसा ही पथरी का दर्द करा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगी कि आपकी समस्या यानी कि प्रेत बाधा है। ये जान ले दुनिया कि मनु भैया कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के सामने भी, इसको फिर से वही दर्द होगा। अभी जरा सी देर में बोल दो जय शनिदेव, जय शनिदेव। दरबार अगर सच्चा है, आपकी नीयत सच्ची है, आप सत्य पे आधारित है, आपने अपनी माताओं बहनों को सुख देना है, आपने अपने समाज को सुख देना है, आपने सबके कल्याण में निहित है, आप चाहते हैं सबको शांति मिले, आप चाहते हैं सबको शक्ति भक्ति मिले, आप चाहते हैं जैसी भक्ति आपने ग्रस्त होके पाई है, सब ऐसी ग्रस्त होके भक्ति पाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेरी तरह काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, इतनी ठंडी हवा चलते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो शनिदेव महाराज की। सिद्ध करना पड़ेगा, दर्द आया, कलेजे पे दर्द बढ़ने लगा, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। क्या हुआ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और फिर भी डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता है, इसके मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ इसके पित्त की थैली में पथरी होगी, लेकिन उसकी पित्त की थैली की पथरी का भी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दर्द था नहीं। और वापस मैंने प्रकट किया उस प्रेत को, वहीं बैठाया उसी के स्थान पे जहाँ वो बैठ के इसको दर्द करके दिखाता था। अभी दर्द हो रहा है कि नहीं, अपने जोर से बोल, आँख खोल के, कहाँ दर्द हुआ? वहीं पे जहाँ होता था,
जिसके लिए डॉक्टर तेरा ऑपरेशन बोल रहे थे, मेरी मम्मी को बोला था 39,000 रुपए का ऑपरेशन। डॉक्टरों के फेरे में जो पड़ जाता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता, उसके घर में जितना पैसा होता है ना चाट जाता है। ये प्रेत बाहर खड़ा होकर हंसता रहता है और फिर ये कहता है, देखा देखा साले के पैसे लगवा दिए, जीवन भर की कमाई लगवा दी, आगे ना समझ में। फिर ये पैर में चला जाएगा, घुटने घुटने में बैठेगा, घुटना बंद हो जाएगा, चौक हो जाएगा, हाँ, और घूमेगी, कभी पंजा मुड़ जाएगा, कभी कुछ होगा, ये समझेगी कि मैं मर ना जाऊं कहीं, और फिर घुटने का ऑपरेशन डॉक्टर से करा लेगी। डॉक्टर के पास ज्यादा दिन जाएगी, पहले दवाई देके देखेगा, फिर ट्यूब लगा के देखेगा, फिर तेल मलवा के देखेगा आयुर्वेद वाला, फिर सारे काम कर लेंगे और पता चलेगा बैठा घुटने में कौन था, प्रेतराज। और उस प्रेतराज को निकालना भारी पड़ेगा किसी को भी, उसकी टेक्निक होगी, आगे ना उसकी औषधि है, मंत्र, मंत्र उसके मुख में डाला जाएगा, उसका कल्याण किया जाएगा, उसको निगेटिव से पॉजिटिव किया जाएगा, उसको यज्ञ कुंड में भर दिया जाएगा और तब जाके आप ठीक हो जाओगे। कौन सी बार आई है? दूसरी बार। अभी आना है, समझ गई? क्या करना है? कान में एक एक फूंक और लगवा, अंदर जाप करवा और घर जा। बोलो जय शनिदेव। अंदर जाओ। अभी क्या महसूस हुआ? आप नीचे बैठ गए, मैंने फूंक मारी आपके कान में। सर भारी हो रहा है। सर भारी हो रहा है? सर क्यों भारी हो रहा है? क्या पहले से सर भारी होता है आपके शरीर में? कहीं दर्द होते हैं? पूरे शरीर में दर्द रहता है। पूरे शरीर में दर्द रहते हैं? दर्द है अभी कहीं? पैरों में हो रहा है, सर भारी हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। पैरों में हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, सर भारी हो रहा है। ये सब तब से हुआ है जब से मैंने कान में फूंक मारी है? अभी तक तो ठीक थी। अभी तक ठीक थी? कान में फूंक मारी तब जाके ऐसा हो गया, होश से भूल गई, अपनापन नहीं रहा, ऐसे लग रही है जैसे किसी और दशा में जा रही है, ऐसी स्थिति आ गई है, अपने आप कुछ सुझाई नहीं दे रहा, गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, अंदर वाले को क्रोध आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, दर्द आपको पूरे शरीर में कब से रह रहे थे और क्या आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो जो मनु भैया के पास आए? अंधविश्वासी हो क्या? नहीं, अंधविश्वास तो दिखाया तो मैं बहुत टाइम से रही थी, लेकिन ये था कि मतलब कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी, जब भी पूजा पाठ करने बैठती थी तभी ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, दबाव और बढ़ जाता था, भारीपन और आ जाता था, उबासी आने लगती थी, सर भारी हो जाता था, ठीक है ना, एकांत में रहने का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को देर देर तक नींद नहीं आती, कभी कमर में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी एड़ियों में दर्द होता है, कभी पंजों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द रहता है, सिर में हमेशा दर्द रहता है, सिर का पिछला हिस्सा भारी रहता है, सुन रहता है, समझ में नहीं आ रही क्या कर रही हूँ, क्या कर पाऊंगी, पूरा जीवन जी रही हूँ और डिप्रेशन में रहती है। डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया, बहुत अच्छे डॉक्टर के लिए तालियां, इतनी मेहनत कर रहा है, इतने टेस्ट करा रहा है, इतने पैसे खा रहा है, उसके लिए तालियां। समाज में ऐसे डॉक्टर चाहिए जो हमारे पैसे को, माइग्रेन की गोली खा रही है, हाँ, समाज में ऐसे डॉक्टर हमें चाहिए जो हमारे पैसे की कीमत जो है वो बढ़ा दे, है ना, उन्होंने पैसे की कीमत बढ़ा दी है। जब समाज में पैसा नहीं रहेगा तो पैसे की कीमत रहेगी, फिर लोग एक दूसरे को काट के खाएंगे, उनका पैसा उनकी बीमारियों पे लग जाएगा, होगा प्रेत निकालेंगे कुछ और। हम निकाला क्या? आपका हमेशा झगड़ा रहता है, उनके पास आते ही आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, यही बात होती है। आप बने एक दूसरे से प्रेम करने के लिए थे, आपकी शादी भी प्रेम करने के लिए हुई थी, आप दोनों एक दूसरे को जानने के लिए हुए थे प्रगाढ़ता से, लेकिन हुआ क्या अंततः? क्या पाया आपने? उल्टा ही हो रहा है और वैमनस्य बढ़ रहा है दोनों में। वो सोचता है ये सेवा नहीं कर रही, वो सोचता है ये सेवा नहीं कर रही, एक दूसरे की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए और एक दूसरे से लड़ लड़ के जीवन को खराब कर रहे हैं, है? और दिमाग में इस उम्र में भी आ जाता है तलाक ले लेने चाहिए, होता ही नहीं, मन करता जो रिश्ता पक्का हुआ है वो भी तोड़ दे आपस में। इस उम्र पे भी ये है। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। ये प्रेत है मेरे प्यारो, मेरे भारतवासियों, मेरे हिंदुस्तान वासियों, ये वो प्रेत है जिसका जिक्र वेद व्यास जी 12 पुराण में करते हैं। मेरे भारतवासियों, ये वो प्रेत है जिसका जिक्र तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में करते हैं, बजरंग बाण में करते हैं, ठीक है? ये दिखता है नहीं, छोटा सा तत्व होता है। हमने प्रेत को कुछ बड़ा मान लिया, जंजाल मान लिया, झंझट मान लिया है, हमने प्रेत को क्या मान लिया, अंधविश्वास मान लिया, ढोंग मान लिया, दिखावा मान लिया, लेकिन किसी को नहीं पता ये बिंदु स्वरूप है और ये शरीर में तेजी के साथ घूर्णन करता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, इसकी मर्जी है, जितने चाहे बड़े हाथी जैसे शरीर को घुमा दे, जितने बड़े चाहे हाथी जैसे शरीर को घुमा दे। अभी वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ होती है, कहाँ तक हवा गई है, पूरे शरीर में गई है। आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अशम शनिश्चाय नमः, ओम जय जय शनिदेव।
इस एक तत्व को निकालने के लिए दुनिया लगी हुई है, और जो शैतान कह के इस तत्व को निकालता है, आपकी बीमारियां ठीक करता है, वो बताता है कि जीसस का चमत्कार हुआ है। चमत्कार कोई नहीं है, प्रेत था आपने निकाल दिया और वो हल्का पड़ता चला गया, आपको आराम पड़ते चले गए, आपने इसको जीसस की कृपा मान ली। भगवान के नाम की कृपा है, मैं मानता हूँ महत्ता है, और मैं ये भी मानता हूँ जीसस के नाम से प्रेत निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेत को मानना तो पड़ेगा, तभी तो निकालोगे। अब वो मान रहे हैं, हम मान नहीं रहे, जिनकी ये विधा है, जिनकी ये पुरातन तकनीक है, जिनकी ये सनातन रीति है कि आत्मा के अंदर, यानी कि एक शरीरधारी के अंदर जो आत्मा है, उस दूसरी आत्मा को, जो मलिन आत्मा इसमें प्रविष्ट हो गई है, उसको निकालना जरूरी है। गीता प्रेस गोरखपुर में 40 साल पहले एक नोट छपता है, वहाँ के एक पंडित जी के पास किताब के पिछले पेज पे एक पंडित जी के शरीर में एक आत्मा घुस गई, जो फ्रांसीसी आत्मा थी, वो निकल नहीं पाई, उसको रास्ता नहीं मिला। जब रास्ता नहीं मिला तो उसने उस शरीर को खा लिया, और आखिरकार पंडित जी उस फ्रांसीसी आत्मा के साथ मारे गए। उन्होंने उसके जीते जी एक लेख भी छपवाया था, जिसमें उचित इनाम देने की भी बात कही गई थी, और ये भी बताया गया था कि कोई चाहे मौलवी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, वो जो ये कहता है, दावा करता है कि इस प्रेत को निकाल दूंगा, वो आ जाए। और मनु भैया दावा करते हैं कि मनु भैया उस समय होते, उस समय भी उस प्रेत को निकाल के बाहर फेंक देते। बोलो जय शनिदेव। क्या महसूस हो रहा है बहन जी? अभी भी थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी भी भारी भारीपन है अभी। एक बार में कैसे जाएगा? आप मेरे पास कौन सी बार आए हो? आप पहली बार आई अगस्त में, लेकिन आई थी, अब आई है, दूसरी बार आई है, एक बार अगस्त में आई थी, एक बार आज आई है। इनको ये विश्वास था, मुझे जितनी बीमारियां डॉक्टर की है, एक माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब डॉक्टर की ये माने बैठी थी, और शरीर में जो दर्द होता है उसके लिए कभी ऑपरेशन बताया? पथरी कहाँ है? किडनी में है। आपको लगता है तो उसमें दर्द हुआ तभी आपने चेक कराया? कहाँ दर्द है अभी? तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया फिर? नहीं, अभी मना करता था, मैंने नहीं करवाया था। इन्होंने नहीं कराया? आपको पक्का पता है आपको किडनी का ऑपरेशन कराना है, पथरी का? बोला था, पर मैंने करवा रहे हैं। आपने नहीं कराया? अब कहाँ दर्द रहता है आपको शरीर में? ज्यादा तो मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं। आपको कोई दर्द नहीं है, आपको कोई किडनी के अंदर पथरी नहीं है, आपकी कोई पथरी का दर्द आपको नहीं है, आगे ना दर्द घूम रहा है, अब किडनी के नीचे भी नहीं रहता, अब कहीं और रहता है, पहले कहीं और था, फिर सर में तो हमेशा रहता ही रहता है, बस अब सर में हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाया इसने, लंबे समय तक डॉक्टर इलाज कर रहा है, इसको आराम पड़ नहीं रहे, उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, हाँ के ना, उत्तरोत्तर यानी कि दर्द बढ़ रहा है जितना ये इलाज करा रही है, जब दर्द बढ़ रहा है तो फिर दर्द है कहाँ, आगे ना। अरे झूठी तारीफ मत करो, सच्ची तो कर लो मनु भैया की। भाई जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कहूँ ओर से, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी ऊंचाई पर, जहाँ न घमंड है, न गरूर है, न अहंकार है, केवल एक बात है कि ये मेरी बहन है और मैंने इसको ठीक करना है, इसके अंदर में प्रेत घुसा है, वो मामूली सा तत्व है, उसको निकाल फेंकना है, उससे क्या डरना मेरे भाई, उससे क्या डरना। अगर आज वो सर घुमा रहा है, पीछे देखिए, अभी दो बहनें ठीक होके गई हैं, एक चार आदमी के काबू में नहीं आती थी और एक भागती फिरती थी दरबार में, और उसका प्रेत उसको बहुत दुखी करता था, दोनों ठीक हो गई। एक ने कहा, मनु भैया आप तो फूंक मारते हो, काम खत्म कर देते हो, आगे ना। दूसरी की वीडियो आपने देखी, जो शायद उस तरफ से आई थी, बनारस की तरफ से, वो भी ठीक होकर गई, उसका भी सर घूमना बंद हो गया, उसके अंदर ऐसा ही प्रेत निकला जो उसके पति से गुस्सा कराता था, उसके कोई संतान भी नहीं थी, नाभि के नीचे बैठता था, दबाव मारता था और सारा दोष उत्पन्न करता था, पास रहने में दिक्कत आती थी, और जब से शादी हुई थी तभी से बीमार थी। दोनों ठीक हो गए ना तुम्हारी आंखों के देखते देखते, फिर तब तो मानोगे मनु भैया धरा पर जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं, तब तो मानोगे कि जितना किया सच किया। सबने एक बहन को सुना जिसको खांसी होती थी, डॉक्टरों ने उसको क्या क्या बता दिया, तब तो मानोगे इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब तो मानोगे जब मैं ऐसी लाखों वीडियो बना दूंगा, आज हजारों हैं तो क्या एक दिन लाखों हो जाएंगी, और पहले भी 5,000-10,000 वीडियो तो हमारी यूट्यूब ने चैनल बंद करके, उस टाइम में जब वो कोरोना चला था तब चैनल को खोल ही नहीं पाए और बंद ही कर दिया, हमारा तमाम कर दिया चैनल का, फिर हमने और वीडियो बना दी, हमारे पास कौन सा कमी है, हम तो रोज ही काम करते हैं, एक दिन करे एक दिन ना, ऐसा तो करते ही नहीं है। बोलो जय शनिदेव। अभी क्या महसूस हो रहा है? जाइए दीपदान कीजिए, घर चले जाइए, ऐसे ही आइए, तीन चार बार बोले शनिदेव महाराज की।